हर्ष न्यूज़ की सारी खबरें आप तक। कल्याणपुरी के खिचड़ीपुर ब्लॉक 7 के निगम के प्राइमरी स्कूल में 15 फीट गहरी जमीन धसी एक व्यक्ति गिरा जिसको निकाला गया। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि पूर्वी दिल्ली जिला के कल्याणपुरी थाना क्षेत्र के खिचड़ीपुर ब्लॉक 7 की है, जहां सोमवार की सुबह जमीन में ही देखते देखते 15 फीट जमीन धस गई। गनीमत रही कि उस समय कोई बच्चा वहां पर नहीं खेल रहा था, सिर्फ एक व्यक्ति था जो उसमें गिर गया, जिसको बड़ी मशक्कत के बाद स्थानीय जनता और स्कूल प्रशासन ने रस्सी की मदद से निकाला गया। वहीं आसपास के लोगों से हमने बात की तो उनका कहना था कि गनीमत रही कि उस समय बच्चे वहां पर नहीं थे, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। वहीं स्थानीय जनता का कहना है कि यहां पर मोनो रेल का काम चल रहा है, जो कि जगह जगह पर खुदाई चल रही है, वो चेक करते रहते जिसकी लापरवाही से ये स्कूल के अंदर 15 फीट नीचे जमी धसकी। इसके चलते आसपास के घरों में भी दरार आ गई है, जहां आप देख सकते हैं कि स्कूल के अंदर पुलिस प्रशासन भी है और वो भी यही जांच कर रहा है कि आखिरकार जो 15 फीट जमीन धसी तो कैसे धसी, क्योंकि लोगों का कहना है कि यहां पर मोनो रेल का भी काम चल रहा है जिसकी चेकिंग चल रही है और जो जमीन है उसको खोद के चेक करते हैं। वहीं इसके आसपास के जो घर हैं, दुकान है, उनमें भी दरार आ रखी है। देख सकते हैं कि लोगों ने अपने घर और दुकान के अंदर किस तरह से जो लोहे के जो पंप खंभे होते हैं उनसे अपनी छतें रोक रखी हैं। सुने स्थानीय जनता की बाइट। ये कई दिनों से काम चल रहा है और ये जो रैपिड रेड वाले चेक करते भी रहते हैं। अभी चक्कर चल रहा था कि कोने के जो तीन घर है ना, उनमें भी सपोर्ट लगाई इन्होंने। अभी लगभग 1.5 घंटे पहले हम भी बाहर बैठे हुए, एकदम से आवाज आई और एकदम होल हुआ, एक बंदा उसके नीचे गिर गया, जिसको उन्होंने निकाला किसी तरह। ये मामला है। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, अगर बच्चे स्कूल लगा हुआ था, अगर बच्चे ग्राउंड में खेल रहे थे तो क्या होता? हाँ, ऐसा हो सकता था। अगर बाय द वे छुट्टी होती, यही वर्किंग समय होता या छुट्टियाँ हो रही होती तो ये मामला हो सकता था। तो MCD को इनको देखना भी चाहिए था कम से कम। अगर ऐसी कुछ चीज़ चल रही थी तो इनको छुट्टी भी कर देनी चाहिए थी। भाई खुदाई तो हो ही रही है। ये हाँ प्राइमरी है, पहली से पहले छोटे बच्चे। हाँ प्राइमरी के छोटे बच्चे। कौन से इलाके? ये पड़ता है वार्ड नंबर गुरुग्राम फेस टू, पड़ता है वार्ड नंबर 96 में। जब ये खुद ही सुरक्षित नहीं है तो आम जनता की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे सर? जो इधर के मकान है वो तो हम खुद भी बड़े डर के रह रहे हैं यहाँ पे, कि यहाँ पे हो सकता है तो हमारे घरों में भी ये चीज़ें हो सकती हैं। तो इसकी क्या श्योरिटी दिलाते हैं दिल्ली मेट्रो वाले? तो हम तो सेफ है ही नहीं, इसका मतलब हमारे बच्चे डरे हुए हैं। जब वहाँ हो सकता है, जब मशीनें यहाँ चलेंगी तो तब क्या होगा? इसके नीचे से क्या कोई काम चल रहा है? इसके नीचे से सर मोनो रेल का काम चल रहा है और रैपिड मेट्रो का, तो वो अपना काम बड़ी तेज़ी से निकाल रहे हैं। उनको कोई परवाह नहीं है कि मकानों की क्या हालत होनी है, दर्दनाक हादसे होने हैं, कोई घर से बाहर का किसी का जुगाड़ आया नहीं है, रहो वहाँ नहीं आओ कहीं भी जाओ, मकानों की तो ऐसी तैसी हो जाएगी। वो आप अगर पे भी कर दोगे तो कितना पे कर दोगे आप? जान माल का नुकसान पूरी तरह से है। आज भी हादसा हुआ है यहाँ, बड़ा हादसा। बच्चों का स्कूल लगा होता तो क्लास में होते, अगर क्लास में नहीं होते तो ग्राउंड में होते तो क्या होता? ग्राउंड में अगर बच्चे होते तो ये बहुत ही दर्दनाक हादसा बन जाता और जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। उनके माँ बाप से पूछे जिनके बच्चे हैं, और जो खुद ही कर्मचारी हैं वही दस गए हैं, क्या उनकी फैमिली नहीं है उनके? अच्छा, क्या छुट्टी कर दी गई? छुट्टी तो कर दी गई है, बाकी जो है और उधर से पूरा बंद भी कर दिया गया है, लेकिन उसके पीछे क्या रीज़न निकल सकते हैं?